नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज रिलीज होने वाली दो फिल्मों के बारे में आज का वीडियो है। वैसे दोस्तों काफी फिल्में रिलीज हो रही है आज, ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन छोटे बड़े बजट की फिल्में रिलीज हो रही है तो मैं दो फिल्मों के बारे में बात करूंगा आज मुख्य रूप से। एक तो दोस्तों आखिर पलायन कब तक ये रिलीज हो रही है आज, और दोस्तों दूसरी फिल्म है कुछ खट्टा हो जाए, तो इन दोनों फिल्मों के बारे में बात करते हैं। आखिर पलायन कब तक, राजेश शर्मा इसमें मुख्य भूमिका में, और दोस्तों ये उन विषयों पर उठाती है कि किस प्रकार से जिन स्थानों पर अल्पसंख्यक ज्यादा हो जाते हैं और वो किस प्रकार से बहुसंख्यकों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनको पलायन के लिए मजबूर करते हैं, उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। वक्फ वार्ड का इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि वो रातों रात अपना बोर्ड लगा देते हैं वहां पे कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, और उसके बाद में क्या होता है आप जानते हैं, किस प्रकार से कोर्ट में केस चलते हैं, किस प्रकार से आपको ही सिद्ध करना पड़ता है कि ये जमीन हमारी है, वक्फ बोर्ड की नहीं है। तो इस तरह का कुछ एक मैटर इस फिल्म में, काफी बोल्ड विषय है, विवादास्पद भी हो सकता है, कई लोगों को एतराज भी होगा इसके ऊपर, कई आवाजें भी उठेगी, और कई लोगों को ये एक क्योंकि रियल बेस्ड मुद्दा है तो कई लोगों को अच्छा भी लगेगा और कई लोगों को मतलब अखरेगा भी, बुराई भी होगी फिल्म की, बड़ाई भी होगी और विवादों में फिल्म आएगी मुझे लगता है। लेकिन फिल्म का मैंने ट्रेलर देखा तो काफी बोल्ड ट्रेलर है, काफी बोल्ड डायलॉग्स है कि क्यों मतलब जहाँ पे अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा हो जाती है वहाँ पे क्यों बहुसंख्यकों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है, रहना उनके लिए हर तरह से मतलब किस तरह से कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इन सब के बारे में फिल्म बेबाकी से बात करती है। तो दोस्तों ये फिल्म रिलीज हो रही है और ज्यादा बड़ा बजट इसका नहीं है, करीब अभी तक जो मैंने पढ़ा वहाँ से 5 से 6 करोड़ का बजट बताया जा रहा है, और ज्यादा स्क्रीन भी फिल्म को नहीं मिलेगी, ठीक ठाक स्क्रीन मिलेगी फिल्म को, और उम्मीद ये की जा रही है कि फिल्म ठीक करेगी बॉक्स ऑफिस पर। तो पहले दिन अभी तो कोई ज्यादा हाइप नहीं है, एडवांस बुकिंग तो ऐसी फिल्मों की होती भी नहीं है आप जानते हैं, तो अभी 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास ये कमिंग ओपनिंग पहले दिन ले सकती है ऐसी उम्मीद की जा रही है, और इतना लेगी तो बहुत अच्छी बात होगी। बाकी कई जगह ये भी है कि 40 से 50 लाख से ज्यादा कलेक्शन फिल्म पहले दिन नहीं करेगी। रिव्यू किस प्रकार के मिलते हैं फिल्म को, पॉजिटिव रिव्यूज मिलते हैं तो फिर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से अच्छा कर सकती है, क्योंकि कई बार ऐसी फिल्म होती है जो छोटे बजट की होती है, ज्यादा हाइप नहीं होती है, लेकिन वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कर जाती है। तो एक संवेदनशील एक ज्वलंत मुद्दे को फिल्म में उठाया गया है, तो डेफिनेटली अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा मिला, फिल्म अच्छी बनी, तो फिर ये फिल्म ग्रो कर सकती है। तो उसकी दूसरी फिल्म है कुछ खट्टा हो जाए, ये जो सिंगर है गुरु रंधावा, इनका ये एक्टिंग डेब्यू है, साथ में अनुपम खेर है दोस्तों। तो फिल्म कुल मिलाकर के मुझे अच्छी लगी, इसका ट्रेलर मैंने देखा था, अभी मैंने फिल्म तो नहीं देखी है, फिल्म में देखूंगा तो रिव्यू जरूर दूंगा आपको, और नेक्स्ट वीडियो हो सकता है रिव्यू का ही हो इन दोनों फिल्मों का। तो कुल मिलाकर के ये कॉमेडी फिल्म है, एक फैमिली कॉमेडी इंटरटेनिंग मूवी है, ट्रेलर मुझे पसंद आया था, कई ऐसे सीन जो काफी हंसाते हैं आपको। कुल मिलाकर के ये फिल्म परिवार को पसंद आ सकती है। अब ज्यादा हाइप तो इस फिल्म की भी नहीं है, स्क्रीन जरूर इसको 2000 के करीब स्क्रीन मिले हैं और 10 से 15 करोड़ फिल्म का बजट बताया गया है, तो स्क्रीन्स काफी अच्छे मिले हैं फिल्म को, तो इन स्क्रीन्स के ऊपर ये फिल्म डेफिनेटली मुझे लगता है कि 2 करोड़ से 2.5 करोड़ की ओपनिंग पहले दिन ले सकती है, कम से कम 2 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेनी चाहिए फिल्म को, बाद में इसके रिव्यूज कैसे आते हैं वर्ड ऑफ माउथ कैसा मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा।